Hello students, myself Mrs. Kinjal Panjal. I am a teacher in Jams International School. Students of Standard 4, listen carefully. I will teach you subject English. Okay? Students, Standard 4 के students, please ध्यान से सुनिए. मैं आपको English पढ़ाऊंगी. Students, we have already completed our unit 1 and 2. Okay? So now today we will start unit 3. Okay? आज हम unit 3 start करेंगे. Okay? So listen, so listen carefully. Unit 3. Birthday gift what? Birthday gift what? Okay? यानी birthday की जो gift होती है उसमें क्या मिला है? What मिली है? So listen carefully. Okay? Students of 4th standard. Listen, I will first explain hard words of unit 3. Okay? So I will explain hard words in Hindi. So listen carefully, okay? Then I will explain unit 3 story, okay? In textbook. So listen carefully. Standard 4, subject English. Unit 3, new chapter. Unit 3. Birthday gift what? Okay? बर्थडे गिफ्ट मतलब बट जो बर्थडे में गिफ्ट आती है ना उसमें एक वॉट मिली थी. ओके, जो हम आगे टेक्स्ट बुक में यूनिट 3 एक्सप्लेन में जब करूँगी तब आपको सारी बात बताऊंगी. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स. ओके, हार्ड वर्ड्स वाउंड. वाउंड मीन एक्चुअली वाउंड एक विंड का WIND विंड. यहाँ लिखती हूँ विंड. इसका पास्ट टेंस है वाउंड. ओके, विंड और वाउंड. वाउंड विंड मींस रोल्ड करना यानी गोल गोल घूमना. ओके, सो वाउंड मींस गोल गोल घूमना. ओके, रोल्ड करते हैं ना जब, तो विंड का पास्ट टेंस है वाउंड. ओके, तो ये ध्यान दें. फिर दूसरा है एक्साइटेड. एक्साइटेड मींस वेरी हैप्पी. एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी. पता है कुछ कुछ मिलता है हमें, कुछ आने वाला, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो गए, है ना. जब हमारा बर्थडे होता है तो हम लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि हाँ मेरा बर्थडे आ गया, कोई सारी गिफ्ट आएगी, है ना. ये चैप्टर में इसी तरीके का है. ओके, एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी. एक ऐसी अंदर अंदरूनी खुशी कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्रिएट. क्रिएट मीन्स टू मेक समथिंग डिफरेंट. कुछ क्रिएट करना, टू मेक समथिंग न्यू डिफरेंट यानी कुछ अलग तरीके का क्रिएट करना. रिपल्स. रिपल्स मीन्स वेव्स. वेव्स मीन्स पानी होता है उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है ना, पता है हम कुछ डालते हैं पानी के अंदर तो तुरंत देखना ऊपर में ऐसे राउंड 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 घूमने लगेगा और थोड़ा सा पानी हिलने लगेगा, उसको रिपल्स बोलते हैं. ओके, तो उसको रिपल्स बोलेंगे. फिफ्थ नंबर क्या है? स्पॉइल. टू मेक बेड. स्पॉइल मतलब गंदा करना. स्पॉइल मतलब गंदा करना. हर्ट. हर्ट मीन्स किसी को दुख देना. ओके, किसी को हम हर्ट करते हैं ना. बोर्ड. बोर्ड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड. जब किसी बार बोर्ड कब होते हैं? जब कोई चीज़ बार बार एक ही चीज़ करो तो हम बोर हो जाते हैं ना, एक ही एक चीज़ करने में, तो बोर्ड मीन्स नॉट इंटरेस्ट. फिर बाद में उसमें से जो इंटरेस्ट होता है ना वो चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, एक ही एक चीज़ करो. पहले जब इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ बार बार करो तो भी इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन हर रोज वही चीज़ होती है तो इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है, तो तब क्या हो जाते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं. रस. रस में एक साथ सब आ जाते हैं उसको रस बोलते हैं. ओके, यानी रन आउट जिसको बोलते हैं. रन आउट मीन्स एक साथ सब दौड़ के एक साथ आना, उसको रस बोलते हैं. ओके, स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर. स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर. स्मॉल एक्चुअली झरना जो होता है, झरना पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा गिरता है, झरना छोटी छोटी जो रिवर होती है, स्मॉल रिवर होती है, ऊपर से पानी जो गिरता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं. ओवरटर्न. ओवरटर्न मीन्स उल्टा हो जाना.
ओवरटर्न मीन्स उल्टा हो जाना, ऊपर का हिस्सा नीचे चल जाना और नीचे का हिस्सा ऊपर। जैसे पानी में हम पानी के ऊपर की जो सरफेस होती है बॉट रखते हैं, तो वॉट अगर उल्टी हो जाती है तो ऊपर का जो सेल होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे का जो हिस्सा होता है ऊपर, उसको ओवरटर्न बोलते हैं। ओके, सेंट सेंट भी ये वाले दो वर्ड्स याद रखना। सेंट जैसे सिंक होते हैं ना, उसका पास्ट है सेंट। सिंक का पास्ट टेंस है सेंट। सिंक मीन्स ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स डूब जाना। ओके, सेंट मीन्स डूब गया। बैंग, बैंग मीन्स हिट, टक्कर, जिसको बोलते हैं टक्कर, हिट करना। ओके, तो बैंग यानी कोई दो की चीज जो होती है वो टकराती है ना, हिट, उसको बैंग बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स टू टेल, एक्सप्लेन किसी को कुछ कहना, एक्सप्लेन करना, क्लियर करना, उसको एक्सप्लेन बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर, लिसन दिस ऑल हार्ड वर्ड्स of unit 3 you have to write in your English notebook। okay, ये सारे जो hard words है जो आपकी English की notebook आपने बनाई है ना fourth वाले fourth की, उसमें आपको ये सारे hard words लिख लें। okay, in next video I will explain unit 3 what they give what। okay, bye।